इस तरह के सवाल आ रहे होते हैं, व्हाट क्वालिफाइज यू फॉर दिस पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आपकी बड़ी जजमेंट कॉल हो रही थी कि हाउ कैन यू जस्टिफाई कि जी मैं इस पोजीशन के लिए फिट हूँ, पहले से प्रिपरेशन की जरूरत है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। अब इसमें जो है एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, हम लोग सबके कुछ ना कुछ एरियाज ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, बट इन द इंटरव्यूज जनरली पीपल लाइक टू हाइड ऑल दीज थिंग्स। कि जहां पर कोई ऐसा सवाल आ जाता है, जहां पर कि कोई नेगेटिव क्वेश्चन है, तो हम उसका जवाब देने से घबरा रहे होते हैं। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हाँ, उस मिस्टेक से हम सीखते भी हैं, मिस्टेक से हम सीखते भी हैं। और जब हम ये बताते हैं कि हाँ हमसे कोई गलती हो गई है, लेकिन उसकी हमारे से हमारी लर्निंग क्या थी, उन लर्निंग के ऊपर अगर हम काम करते हैं, बताते हैं कि क्या क्या लर्निंग थी, देन एक्चुअली वी आर डेमोंस्ट्रेटिंग दैट हमारा लर्निंग एटीट्यूड है, गलती हमसे हुई है किसी चीज में और हमने उसको लर्न किया और नेक्स्ट टाइम हमने उसको कितना अच्छा किया है। इसी तरह के, और फिर जैसे विजन का कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं 4 या 5 साल में 6 साल में, जनरली इस तरह के सवाल आते हैं, तो यू कैन ऑलरेडी प्रिपेयर योरसेल्फ कि ये इस पे क्या आपने रिस्पॉन्ड करना है। बिहेवियरल क्वेश्चन की जहां तक बात हो रही है, आजकल जमाना ही बिगड़ है, इसके अंदर जो है सवालात करते हैं लोग। बिहेवियरल क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपने पास्ट में जाकर एग्जैक्ट जो इवेंट हुआ है वो शेयर करना है। सम टाइम पीपल अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट, उसमें बहुत देर लग जाती है। सो नाउ अडेज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग दिस टेक्निक। सो बिहेवियरल क्वेश्चंस मीन कि आप पास्ट में जाएंगे, एक्चुअल एग्जाम्पल जो है वो आप शेयर करेंगे, ठीक है। लाइक इसमें जो एक एग्जाम्पल दी गई है, सेकंड में अगर आप देखें, टेल मी अबाउट अ सिचुएशन व्हेन यू हैव फेल्ड अ टास्क। एज आई शेयर्ड अर्लियर कि हम बहुत सारे टास्क नहीं भी कर पा रहे होते हैं, बट एवरीबडी वुड लाइक टू शेयर ओनली द सक्सेसेस। दिस इज द नेगेटिव क्वेश्चन। ये नेगेटिव क्वेश्चंस आर द वेरी डिफिकल्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट वन। अगर आपने इनको अच्छी तरह से जवाब दे दिया तो आपके कामयाबी के काफी चांसेस हैं। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि आप, हम सब नाकाम होते हैं कहीं ना कहीं, शेयर इट जेन्युइनली। बिल्कुल गलती हो गई, बिल्कुल शेयर कर लीजिए कि मुझसे जी मैं इस जगह नहीं कर सका, कोई टास्क अचीव नहीं कर सका और उसकी वजह ये थी और ये गलती हुई, मेरी गलती थी, इसको मैंने ओवरकम किया, नेक्स्ट टाइम इससे ये लर्निंग हुई मेरी और मैंने इसके ऊपर फर्दर कभी दोबारा ये गलती नहीं हुई और मैं इस तरह से इम्प्रूव किया। तो ये सवाल आ जाए तो लोग ये कह रहे हैं कि अमूमन जवाब आ रहे होते हैं कि नहीं जी गलती तो हुई नहीं, अगर हुई थी तो वो मेरी नहीं थी और किसी और की थी, हम इसको तरह घुमा फिरा रहे होते हैं, सारा इंप्रेशन हमारा खराब हो जाता है। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू ओवरकम अ बिग चैलेंज। ये बिल्कुल चैलेंजिंग सिचुएशन है। अब चैलेंजिंग सिचुएशन है और बिहेवियरल क्वेश्चन है, तो टेक्निक आपकी ये होगी कि आप एग्जैक्ट एग्जांपल देंगे और उसको 3 पोर्शन में ब्रेक कर देंगे तो बहुत बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। कैसे? आप जो है कहेंगे, पहले बताएंगे कि सिचुएशन क्या थी, उस चैलेंजिंग जो भी अपना कोई टास्क था जो आप अचीव कर रहे थे, उसका चैलेंज की सिचुएशन क्या थी, उसके बाद जो है आपने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज आउटकम क्या है, सिचुएशन एक्शन रिजल्ट। इन ऑल टाइप ऑफ बिहेवियरल क्वेश्चन अगर आप इसमें ब्रेक कर दें 3 पार्ट में, कि जब भी आप रिस्पॉन्ड करें पहले सिचुएशन एक्सप्लेन करें, फिर बताएं कि आपका एक्शन क्या था उसमें और क्या आउटकम आपकी वजह से आई है, इट विल गिव इम्पैक्ट। जहां आप ये अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, उसके बाद जो है देखिएगा, आप इंटरव्यूअर भी वहीं से सवाल लेके चलेगा क्योंकि ही इज गेटिंग आंसर्स फ्रॉम दैट पोर्शन, तो वहीं से वो जवाब सारे चलने शुरू हो जाएंगे, तो इससे भी आपकी बहुत ही यानी कि इफेक्टिव हो जाएंगे आप और बहुत अच्छे जवाब दे सकते हैं आप, इवन सेलेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, अप टू यू समिया, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। जी सर, हम बस क्वेश्चंस लेते हैं, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख दें, सर विल आंसर दैट। सो एनीवन हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन कैन राइट इन चैट। How will you negotiate with respect to salary? अच्छा, ओके। जैसे मैंने शेयर किया था कि थोड़ा सा मार्केट प्रैक्टिस को चेक करना चाहिए जाने से पहले, नो योर वर्ड। तो आप जरा सा पहले से काम कर लें इसके ऊपर कि क्या सैलरीज हैं मार्केट के अंदर। नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन इन पाकिस्तानी मार्केट इज कि जनरली, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल, नॉट स्पेसिफिक नहीं कि मैं इस जो सवाल आ रहा है उसी का जवाब दे रहा हूँ,
जनरली पाकिस्तान में लोग जॉब चेंज नहीं करते, मामूली सी परसेंटेज के लिए, 10-15-20% के लिए नहीं करते. मैंने जो देखा है वो अब 30% ही लोग जाना चाह रहे हो. बहुत कम लोग होते हैं जो 10-20% के लिए जाते हैं. लेकिन आप अपनी चेक करें मार्केट पहले से कि क्या सैलरी के हिसाब से डिमांड कीजिए. Next question is, after interview, if company would not respond, how we ask them? Through email or phone call? You can do a whatever. Actually, आप जब interview में होते हैं तो पहले पूछ लीजिए कि what are the next steps. वहीं से पूछ कर आइए और वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस वक्त रिस्पॉन्ड आएगा. तो वो ज्यादा बेहतर है कि जब आप मालूम करके आ जाए, वरना आप ईमेल करके भी पूछ सकते हैं और फोन करके भी पूछ सकते हैं. सर, ये नाइमा गुल का क्वेश्चन है, कुड यू प्लीज गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टोरी हाउ एंड व्हाई. और इसी के साथ एक और अलीना ताज का भी क्वेश्चन सिमिलर ही है, हाउ वुड यू नो द स्टोरी यू आर पिचिंग इज व्हाट इन अ कैंडिडेट कंपनी इज लुकिंग फॉर. अब डेवलप अप करूं और मैंने खुद जॉब के लिए अप्लाई करना है इन एचआर हेड, और मैं ये देख रहा हूँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहाँ पर मर्जर एंड एक्विजिशन के रेलेवेंट कोई ज्यादा काम हो रहे हैं, तो व्हाट आई वुड डू, आई विल प्रोजेक्ट माय मर्जर एंड एक्विजिशन एक्सपीरियंस कि जी मैंने शेयरिंग एक्विजिशन करवाया है, उसके अंदर जो है सिनर्जीज मैंने 40% अचीव की हैं, उसके अंदर प्लांट का भी मर्जर था, डॉक्यूमेंटेशन थी, ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज थे, और जो मैंने 100 एम्प्लॉइज को मूव किया है लाहौर टू कराची, उनकी रेजिडेंस के इंतजाम, उनकी ऑफिस, ये समथिंग लाइक दैट. तो आप फिर नजर आना शुरू होता है लोगों को, ओके दैट गाय इज रियली सूटेबल फॉर दैट जॉब, कि हमें मर्जर एंड एक्विजिशन में एचआर हेड की जरूरत है, तो उसको रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और उसने किस तरह की अचीवमेंट्स की हुई है. सर, ये किसी ने सवाल पूछा है, सर यही पूछना था कि इंटरव्यू में यही पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हालांकि सब कुछ सीवी में ही लिखा होता है. ये इसका पता है, ये समझ सकते हैं आप कि ये बात शुरू करने का तरीका होता है, लेकिन शुरू करने का तरीके से हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमने कुछ भी कह देना कि मेरा नाम ये है, मेरे वालिद का नाम ये है, मेरी एज ये है. तो बेहतर है कि आप एक, इसका बेहतर तरीका ये है कि आप जो है एक समराइज फॉर्म के अंदर अपने कैरियर की अचीवमेंट्स बता दें. तो सर, इसमें ऐसे फैमिली मेंबर्स के बारे में नहीं बताना चाहिए कि मेरा भाई ये करता है, मेरी बहन ये करती है? मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि देखें अब हम जो बात करते हैं एथिक्स की, तो आपकी फैमिली से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो इंटरव्यूअर पूछ भी नहीं सकता है. अगर एथिकल इंटरव्यू की बात करते हैं, लोकल कंपनीज पूछ लेती हैं, तो वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द कैंडिडेट और एंड हिज और हर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन एंड दैट्स इट. उसके वालिद क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, बहनें क्या करती हैं, वी आर लीस्ट बॉदर्ड. जीशान का सवाल है, ही वांटेड टू आस्क यू अबाउट अ करियर इन एचआर, व्हाट स्किल सेट्स डू रिक्वायर फॉर दैट, मोर ओवर डस फीमेल्स आर मोर प्रेफर्ड इन एचआर जॉब्स. नहीं कह रहे हैं आप, बात यह है कि एचआर में आने के लिए आपको ज्यादा हम्बल होने की जरूरत है, आपको ज्यादा इंटरेक्टिव होने की जरूरत है, आपको पीपल पर्सन होने की जरूरत है, आपको इंसानों का, लोगों का दर्द महसूस करने की ज्यादा जरूरत है. तो अगर आप ऐसे हैं, इवन व्हेन यू डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, आप बिल्कुल सूटेबल हैं जॉब के लिए, अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल. फीमेल्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाती एचआर में, क्योंकि हम यूजुअली यही सुनते हैं. बात सही है, वैसे अपेरेंटली मैं यही देख रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं, ज्यादा फीमेल नजर आ रही है, बिल्कुल सही है. बल्कि आप अगर जाएंगे यूरोप में या एशिया पैसिफिक में, तो आपको मेल नजर ही नहीं आ रहे हैं, उसमें आपको फीमेल्स ही नजर आ रही हैं. बट ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स ही की जॉब, मतलब फीमेल्स ही की लिए कैरियर है, ये मेल्स का भी कैरियर है. और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में तो मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, बिल्कुल सही, राइट बैलेंस है. यासिर का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, व्हाट इज सूटेबल क्वेश्चन इफ आस्क, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, इस बात का क्या जवाब दें अगर कोई हमसे पूछे? इसका देखिए जवाब ये है कि आप किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, कौन सी बात आपको जानना चाहते हैं, उस वक्त क्या इम्पोर्टेंट है. तो इसका इस तरह कोई जनरल जवाब देना तो मुश्किल है कि क्या आप सवाल करेंगे. अगर मैं किसी इंटरव्यू सिचुएशन में होता तो मुझे पता चलता कि मैं कहाँ आया हूँ उस वक्त और मैं क्या जानना चाहता हूँ. मिसाल के तौर पर मुझे याद है, मेरे कलीग ने भी कहीं इंटरव्यू दिया, तो बहुत सीनियर पोजीशन के लिए था, और उनसे पूछा गया ये, तो उन्होंने कहा कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपका सक्सेशन प्लानिंग कैसा है, आप इस पोजीशन के लिए वाई आर नॉट एक्चुअली प्रमोटिंग योर इंटरनल कैंडिडेट्स. और उसके बाद जब उन्होंने जवाब दिया तो पता चला कि वाकई वहाँ ये मसला है और वो दे रियली वांट टू डेवलप देयर सक्सेशन पूल, तो वो वीक था वहाँ पर.
ये डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, कौन सी कंपनी है, क्या जानना चाहते हैं आप। ये सवाल से मतलब पता चलता है कि आप जब वहां गए हैं तो आपको पता नहीं है, तो फॉर्मूला इसका आंसर नहीं हो सकता कि एक जवाब मैं आपको बता दूं वही जवाब हम या सवाल हम वहां करेंगे। हमें वहां हमें जाने से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि हमें पूछना क्या है। सर, इस क्वेश्चन हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि हमारी सैलरी क्या होगी? ठीक है, वो सैलरी का तो आप एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी मेंशन करते ही हैं। सैलरी आप मेंशन करते हैं कि सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तो आप मेंशन करते ही हैं। और वो सवाल भी करेंगे आपसे कि आप क्या सैलरी लेना चाहते हैं, तो आप बताएंगे मेरी करंट सैलरी ये है एंड आई एक्सपेक्ट दिस। यही ज़ारा का क्वेश्चन है। यस सर, ज़ारा का क्वेश्चन है, इज देयर एनी एथिकल प्रैक्टिसेस आल्सो लिंक्ड विद इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई एथिकल प्रैक्टिसेस? बिल्कुल है। इंटरव्यूअर्स के लेवल पे तो ये है कि पर्सनल क्वेश्चंस आप फैमिली के नहीं पूछ सकते। आप बिल्कुल एथिकल प्रैक्टिसेस हैं पूरी दुनिया के अंदर, आप ये नहीं पूछ सकते आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी आपकी एज नहीं पूछी जा सकती। यहाँ तो पूछ लेते हैं हम, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी सेक्ट क्या है, जो पाकिस्तान में बड़े आराम से सारी चीज़ें पूछते हैं, बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते आप। क्योंकि एक दफा मुझे किसी ने कहा था कि मेरे आपके रेज्यूमे में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी, तो इज इट नेसेसरी टू शो डेट ऑफ बर्थ इन रेज्यूमे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं जरा इंटरनेशनली यूरोपियन कंट्रीज में बिल्कुल नहीं पूछ सकते। और मैंने मुझे याद है कैनेडा में मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने देखा है कि उनकी एक खातून है जॉब कर रही है, 70 ईयर्स की है, उनकी बेटी जॉब कर रही है और उनकी नवासी भी जॉब कर रही है वहाँ पर, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, देयर इज नो रिटायरमेंट एज आल्सो। तो ये हमारे हम इम्प्रूव कर रहे हैं पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिस के साथ उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां हम भी ये केयर करेंगे कि हमें पर्सनल क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। आदिल का सवाल है, हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ इन एन इंटरव्यू इफ वी हैव नॉट एनी एक्सपीरियंस बट मीट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन? उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बता सकते हैं कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैंने किन प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, मैंने इंटर्नशिप कहाँ काम की है और उससे मैंने क्या सीखा है, जो मैंने एजुकेशन ली है उसके अंदर मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो इनमें मुझे इनडेप्थ स्किल्स हैं और मैं बड़े आराम से काम कर सकता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मेरी जो IOBM की क्लास है और वहाँ फ्रेश ग्रेड्स भी हैं जो एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं, इफ दे लाइक टू अप्लाई फॉर HR व्हाट डू दे वुड से कि जी वी हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन दी HR स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वी हैव लर्न्ड द टू परफॉर्मेंस अप्रोचेस इन द वर्ल्ड, वी नो व्हाट आर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू, इवन व्हेन दे आर फ्रेश ऑल एक्चुअली एक्सप्रेस दैट। और उसके बाद लाजमी वो लोग सकेंगे जो इंटरव्यूअर्स होंगे कि यस ओके दिस इज वैलिड एक्सपीरियंस एक्सपोजर है एंड दे माइट दे कोई हमारे जैसे टर्म रिपोर्ट्स होती हैं और हमारे इलेक्टिव्स होते हैं तो हम उनके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यस, और किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ तो बिल्कुल हाईलाइट करें। होता ये है कि हम बहुत सारे काम कर लेते हैं लेकिन हम खुद उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते। व्हेन यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू दोस प्रोजेक्ट्स व्हाई वुड अदर्स गिव इंपॉर्टेंस, यू नीड टू गिव इंपॉर्टेंस। हाउ टू कोट एनी रेफरेंसेस, ये मेरा भी क्वेश्चन था क्योंकि मुझसे भी एक दफा इंटरव्यू में पूछा था कि आपकी कोई रिलेशन यहाँ पे जॉब करता है। ठीक है, तो आपको पता था कि वहाँ कोई जॉब करता है? जी, मेरी अपनी सिस्टर इन लॉ जॉब करती है तो मैं उनके ही रेफरेंस इंटर्नशिप में फिर मैंने अच्छा उन्होंने जब मुझसे स्टार्ट में पूछा था कि अपने बारे में अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं तो उसमें मैंने नहीं बताया था सिस्टर इन लॉ का, लेकिन फिर उन्होंने स्पेसिफिकली मुझसे पूछा कि कोई आपकी यहाँ पे जॉब करता है, मैंने कहा जी मेरी सिस्टर इन लॉ जॉब करती है। कुछ कंपनीज की पॉलिसीज होती है कि आप ब्लड रिलेटिव्स हैं वो एक सेक्शन में जॉब ना करते हों ताकि वो जरा सा झूठ ना आए आपस में, वो शायद इसलिए लोग जानना चाह रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि कम से कम सेपरेट सेक्शंस हो। लेकिन जो भी आप जानते हैं बता दें, अगर वहाँ कोई रेफरेंस है तो व्हाई नॉट बी जेन्युइन या बी ओपन आल्सो, बताना चाहिए आप। ज़ारा का क्वेश्चन तो आपने जवाब दे दिया था, काइंडली सम एथिकल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग इंटरव्यूअर वो तो आपने बता दिया सर। ये एक सवाल है, as you mentioned regarding the decency of dressing, how should a female dress? Female देखिए, female तो मुझे लगता है ज़्यादा intelligent हैं, वो उनको पता होता है कि उन्होंने क्या पहनना है। मैंने जितने भी interviews में मेरा experience ये है कि बहुत मुनासिब लिबास पहन कर आती हैं, ज़्यादा खुले गले का नहीं होना चाहिए, बहुत लशपश नहीं होना चाहिए, ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, बहुत सारे बैग्स हाथ में ना हो,
तो डिसेंसी आप अगर अपने ज़हन पे रखेंगे सो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड वन टोन ड्रेस हो मतलब एक ही कलर का हो ज्यादा नॉट नेसेसरी टू टोन्स का भी हो सकता है लेकिन आप क्या फील कर रहे हैं कैसा लग रहा है आप डिसेंट लग रहे हैं आप दैट्स ओके okay?